करीम अम्माबाद काबिल एहतराम कराम मजलिस जुम्मेदारान जामिया मेरी तकरीर का है दिल की सफाई ममिन की शख्सियत में जो सिफत मतलू हैं उनमें से ये दिल की सफाई है दिल की सफाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो वह ख़राबियों से पाक हो बल्कि कीना कपट बुक्स हसद नफरत जैसे अखलाक खराबी से भी पाक होना ज़रूरी है इंसानी आजा सही मुस्लिम की हदीस में है अला व इन्ना फिल जसद मुज़गता इजा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इजा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला व अल कल्ब इंसानी आजा में दिल को मरकजी हैसियत हासिल है ये दुरुस्त है तो सारा इंसानी वजूद दुरुस्त है और अगर ये बिगड़ जाए तो इंसान बिगड़ जाता है मुस्बत जज्बात व सिफत का हामिल दिल तंदुरुस्त दिल कहलाता है जबकि मनफी जज्बात व सिफ़त का हामिल दिल बीमार होता है भला ऐसा इंसान जिसमानी एतबार से कितना ही तंदुरुस्त क्यों ना हो अल्लाह ताला ने इंसान को दिल दिया है तो दूसरों को चाहने के लिए जाने अनजानों की खैर के लिए मुसीबत सदा इंसानों की गमगसारी के लिए दुखे इंसानों के दुख दर्द को बांटने के लिए ऐसा ही दिल शरीत की नजर में लव सलीम कहलाता है जो आखरत की कामयाबी के लिए बुनियादी शर्त है जिंदगी चूँकि इम्तिहान है इसीलिए अल्लाह ताला ने दिल में बहुत सारे मनफी जज्बा वादियत कर दिए हैं दिल में इंतकाम की आग भड़कती है के जज्बात जन्म लेते हैं नफरतें परवान चढ़ती हैं दुश्मनियां पनाह लेती हैं इन सब मनफी जज्बात को कुचलने में ही कामयाबी है जो इन जज्बात को परवान चढ़ाने वाला शख्स हमेशा ज़िंदगी के मसाइल में घिरा रहता है और आखिरत में भी इसके मसाइल कुछ कम ना होंगे दिल के हालात का असर खुद इंसान की सेहत पर पड़ता है जो अपने दिल को मोहब्बत का घर बना ले उसका जिस्म भी बहुत बेहतर रहता है और जो अपने दिल को नफरतों का मरकज़ बना ले उसका जिसमानी सेहत भी वक्ता फ़वक्तन बीमार का शिकार होता रहता है हजरत बिन अम्र बिन आस मरवी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लाम रजील् तु के मस्जिद में तशरीफ़ लाए आप ने फरमाया अभी अभी एक जन्नती दाखिल होने वाला है देखा गया एक सहाबी वज़ू किए हुए अपने चप्पल हाथ में पकड़कर मस्जिद में दाखिल हुए फिर उन्होंने नमाज पढ़ी फिर मस्जिद से निकल गए दूसरे और तीसरे दिन भी यही माजरा पेश आया हजरत अब्दुल्ला बिन बिन आस रज कहते हैं आखिर ये कौन सी नेकी है जिसके सबब ये, ये सहाबी इस फजीलत के मुस्तक ठहरे मैं यही जानने के लिए उनके घर गया अर्ज करने लगा मेरा घर वालों से इख्त हो चुका है मैं तीन दिन घर ना जाने की कसम खाली ये तीनों दिन आपके यहाँ रहना चाहता हूँ उन्होंने इजाजत दी हज़रत बिन अम्र बिन आस रज्ला अपने दिल में ये समझ रहे थे कि शायद ये सहाबी बहुत बड़े तहज्जुद गुजार होंगे उन्होंने देखा वो तीनों रातें उन्होंने नमाज शां पढ़ी फिर सो गए फिर नमाज आखिर उन्हें ऐसा कोई खास अमल नजर नहीं आया पूछे अये मेरे भाई आपके पास ऐसी कौन सी खूबी है जिसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके जन्नती होने की बशारत दी वो कहने लगे आये मेरे भाई मेरे दिल में तो किसी भी मुसलमान के हक हाँ में ना तो कीना कपट बुग्ज हसद है बल्कि मेरे दिल हर मुसलमान के हक में आईने की तरह साफ है हजरत बिन अम्र बिन ताला कहने लगे यही तो आपकी कमाल और खूबी है जिसके सबब आप इस फजीलत के मुस्तक ठहरे जब लोगों ने आप वसल्लम से पूछे रसूलनासी अफजल लोगों में सबसे अफजल कौन है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर साफ दिल और सच्ची ज़बान वाला आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबके दिलों को साफ रखने की तौफीक अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन वा आखिर दावाना लिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह